पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है लाहौल और स्पीति में इन पशुओं पर हो रहा सर्वेक्षण। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हिमालय प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानी जिले लाहौल और स्पीति में वन्य जीव अधिकारियों ने भरल और हिमालयन आइबेक्स की संख्या का पता लगाने के लिए उनका सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि भरल और हिमालयन आइबेक्स हिम तेंदुए का एक मुख्य शिकार है। भरल के बारे में, भरल मूल रूप से उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी है। इसे नीली भेड़ भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्यूडोइस नायोर है। यह स्यूडोइस प्रजाति का एकमात्र सदस्य है। यह मुख्य रूप से भारत, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ये मध्यम आकार के क्रैपिड्स सिर और शरीर के साथ 115 से 165 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनकी पूंछ 10 से 20 सेंटीमीटर की होती है। इस प्रजाति के नर मादाओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। इसके सींग ऊपर की ओर बढ़ते हैं और बाहर की ओर मुड़ते हैं। भरल दिन भर सक्रिय रहते हैं, कभी भोजन करते हैं तो कभी घास वाली पहाड़ी ढलानों पर आराम करते हैं। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्हें IUCN की लाल सूची में कम से कम चिंता का विषय यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। हिमालयन आइबेक्स के बारे में, यह साइबेरियाई आइबेक्स की एक उपप्रजाति है जो भारत, पाकिस्तान, तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र की मूल निवासी है। आइबेक्स बोविडे परिवार के जीनस कैपरा की मजबूत पैरों वाली कई जंगली बकरियों में से एक है जो यूरोप, एशिया और उत्तर पूर्वी अफ्रीका के पहाड़ों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम कैपरा सिबेरिका हिमालयनस है। वे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र सहित हिमालय के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। हिमालयन आइबेक्स भारत के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य रूप से पाया जाता है। एक वयस्क आइबेक्स का वजन लगभग 90 किलोग्राम होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 40 इंच होती है तथा इसके सींग बड़े घुमावदार होते हैं। इनके सींगों के आगे की ओर खांचे होते हैं और ये हर साल बढ़ते हैं। नर आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं। उनका कोट हल्के भूरे से लाल भूरे रंग का होता है, पेट सफेद होता है और पैरों पर काले और सफेद निशान होते हैं। ये आमतौर पर छोटे झुंडों में पाए जाते हैं। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हिमालयन आइबेक्स को IUCN की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भरल और हिमालयन आइबेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भरल मूल रूप से उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी है। दो, हिमालयन आइबेक्स को IUCN के रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।